आज हम जा रहे हैं घूमने ना। हम जाएंगे गंदारा। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं जयपुर घूमने और हम जयपुर में जाएंगे जलधारा। जो जब आप जलधारा जाओगे तो आप WTP मेन जगह बता देता हूँ मैं। WTP से 2 या 2.5 किलोमीटर दूर है, सीधा ही रोड है। तो वहाँ से आप किसी भी साधन या रिक्शा वगैरह, खुद की पर्सनल बाइक वगैरह लेके जा सकते हो। यहाँ पे जो जलधारा का टिकट है 50 रुपये और पार्किंग वगैरह फ्री है। यहाँ पे जो जलधारा है वो स्टॉल वगैरह भी है। और हमारे साथ जाएगी नव्या, और आज से जो भी ब्लॉग्स आएंगे वो नव्या साथ होगी हमारे, और मतलब इस यही ब्लॉग बनाएगी। ठीक है, तो चले कहाँ घूमेंगे आज? घूमने कहाँ पे? जयपुर। तो फाइनली हम जलधारा के यहाँ आ गए, और हम पहले टिकट कटवा लेते हैं फिर अंदर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर जयपुर में सबसे आप शांत जगह ढूंढने आए हो और सबसे शांत जगह रहना आना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला जयपुर में। क्योंकि यहाँ पर मतलब पानी के फवारे वगैरह और जो पार्क है वो बहुत ही अच्छा है, सुकून भरा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो आप अगर शांत जगह ढूंढ रहे हो आप जयपुर में, तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हो। तो हम अंदर की ओर चलते हैं। और अभी हो रहा है सर्दी का मौसम, और सर्दी का मौसम में भी ये रिशु है ना, जो देखो आइसक्रीम खा रहा है। दिसंबर का टाइम है भी, और दिसंबर के टाइम भी आइसक्रीम खा रहा है। चलो आगे जाओ, आगे जाओ। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे हम ऐसे ही ब्लॉग्स डालते रहेंगे। थैंक यू।